हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से दोस्तों, आज बहुत बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आती हूँ। क्या ही बोलूँ, मतलब मैं तो बहुत दिनों के बाद बाद आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो आज दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ एक फिर नया वीडियो लेके। ये वीडियो तब का है दोस्तों जब हम लोग चेन्नई थे, लेकिन हम लोगों ने तो डाल ही नहीं पाते वीडियो, इधर काम के वजह से और इधर तबीयत की वजह से। तबीयत तो ठीक नहीं रहता और काम का बर्डन भी कम नहीं होता। तो आज दोस्तों ये वीडियो साहस करके मैंने डाला है। और ये देखिए, मैं अभी फ्रूट्स खा रही हूँ। फ्रूट्स के साथ मैंने अपना मॉर्निंग का स्टार्ट कर दिया है। आज दोस्तों फिर से आ गई हूँ एपोलो में। आज हमारा है मेरा और देवर जी का टेस्टिंग वगैरह है। तो मेरा टेस्टिंग होने में अभी टाइम है और अभी मैं बैठी हूँ लाइन में। तो दोस्तों क्या ही बोलो, टेस्टिंग होने के बाद मैं आ गई हूँ ये ऑटो में हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे पेन हो रहा था। तो हस्बैंड जी मुझे फटाफट हॉस्पिटल से होटल के रूम में लेके आ गए और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग गई हूँ। मतलब वैसे तो मुझे एक इंजेक्शन देते हैं तब भी मैं रोती हूँ, और यहाँ पर आज बहुत बड़ा मेरा एक टेस्टिंग हुआ है जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं रोती रोती, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, और इधर रोते रोते हस्बैंड जी को बोल भी रही हूँ कि आप जाइए, मैं रह सकूँगी अकेले, क्योंकि देवर जी को भी दिखाना है डॉक्टर, वो अकेले तो डॉक्टर को दिखा नहीं सकेंगे। आप जाइए उसके पास, मैं जब मुझे आराम मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी। तो दोस्तों ये अभी मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद, 2 घंटे के बाद मैं मुझे थोड़ा सा आराम फील हुआ, तो नहा के फिर से मैं हो गई हूँ तैयार। और फिर से अभी हम मैं जाऊँगी हस्बैंड जी और देवर जी के पास। और हस्बैंड जी ने फ़ोन करके बोले हैं कि हम लोगों ने तो खाना खा लिया, आप आते समय खाना खा के आएगा। तो मैं होटल में खाना खा लिया है। और अभी दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आके थोड़ा सा टाइम मिला है, तो सोचा है कि आज चलिए कहीं घूमने जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों मेरीना बीच, और चेन्नई है तो मेरीना बीच देखना तो ज़रूरी है। मेरीना बीच नहीं देखा तो क्या देखा। तो दोस्तों मेरीना बीच पहुंचकर ही मैंने पहले लिया है ये आम, क्योंकि कल देवर जी आए थे मेरीना बीच अकेले, तो उन्होंने ये खाया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। बोला है तुम खा के देखो अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं खट्टा खाती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा लगेगा तो एक सोचा कि खा के देखती हूँ। तो वो आम तो मैंने ख़त्म नहीं किया, तो ले लिया मैं फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स खाते खाते हम लोग जाएँगे दोस्तों दूसरा जगह जिसका नाम है टी गार्डन। क्या हुआ दोस्तों, मतलब मेरीना बीच में तो आए थे हम लोग घूमने के लिए, सागर किनारे फ़ोटो खींचने के लिए, फ़िश खाने के लिए, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी था जिसके वजह से हमसे चला नहीं गया। तो हम लोगों ने प्लानिंग बदल दिया और आगे टी गार्डन में यह है सरावना स्टोर, जिस मतलब सरावना का 2-3 मॉल है, पता नहीं किस का है, पता नहीं किस चीज़ों का है, लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पर जो आए हैं ना, ये कपड़े का मॉल है यहाँ पे। मतलब आप लोग, आपको जितना दाम का चाहिए उतना दाम का कपड़ा मिलेगा, 200 से लेके 1000 तक कपड़ा है। बहुत सारा साड़ियाँ था, मैंने तो पहले ये लेंगे वो लेंगे सोचे थे, लेकिन जब लेने की बारी आई तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। मतलब तभी तब मुझे मतलब लेने को मन ही नहीं किया, तो मैंने कुछ नहीं, हस्बैंड जी ने 2-3 पीस शर्ट का पीस लिया है। तो हम लोग बाहर आके फ़ोटो वोटो खींचा के, मतलब सरावना स्टोर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बाहर से भी अंदर से भी। तो मतलब यहाँ पे कपड़ा खरीदने जाएंगे या फ़ोटो खींचने के लिए जाएँगे वो आपकी बात है। तो हम लोग सरावना में फ़ोटो वोटो खींच के, और मेरे हस्बैंड जी ने 2-3 शर्ट का पीस लिया वो लेके बाहर आ गए हैं। और बाहर आके दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा मन था, जब मैं टीवी में देखती हूँ गजरा लगाते हैं, तो मेरा भी मन था कि मैं भी गजरे लगाऊं। तो आंटी लोग गजरे बेच रहे थे, मैंने भी गजरे लगा लिया। और हम लोग को शाम के आगे मतलब अपोलो हॉस्पिटल में जाना था, हम लोग टाइम पे ही वहाँ से निकल गए हैं और आगे अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह जो टेस्टिंग किया था उसका रिपोर्ट लेना है और 6 बजे डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद हम लोग को डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग डॉक्टर दिखा के उसके बाद फिर से होटल में जाएँगे। और
थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग दोस्तों होटल के रूम में आ गए हैं, थोड़ा सा आराम भी कर लिया है और अब रात का खाने खाने का भी टाइम हो गया, तो रात का खाने खाने बाहर जाएंगे। और वैसे तो हम लोग जब से आए हैं हम लोग वेज ही खा रहे हैं, तो आज सोचा कि आज नॉन वेज खाएंगे, तो देखते हैं बाहर जाके कहाँ पे नॉन वेज मिलेगा खाने के लिए। तो हम लोग बाहर जाके मतलब ऑटो वाला भाई से पूछे कि यहाँ पे नॉन वेज कहाँ अच्छा मिलेगा, और ऑटो वाला भाई ने तो बोला है नॉन वेज का दो तीन जगह का एड्रेस दिया है, तो वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे हम लोग का मनपसंद का नॉन वेज का रेस्टोरेंट होटल कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो दो तीन दिन से हम लोग जहाँ पे खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, संगीता रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाने के लिए जाएंगे। वो तो वेजिटेरियन है, तो चलो आज भी वेजिटेरियन ही खाते हैं, तो मिला नहीं नॉन वेज क्या करेंगे। तो हम लोग आगे फिर से संगीता में, और मैंने लिया लच्छा पराठा और हस्बैंड जी ने लिया इडली, और देवर जी का पूरा मन था मतलब भात सब्जी खाने का, तो उन्होंने भात सब्जी और दो रोटी लिया है। तो ये हम तीनों ने सब्जी भात इडली लच्छा पराठा मिल के तीनों ने खाया, और खा के अभी हम लोग दोस्तों अपने होटल जा रहे हैं, अपने रूम में जा रहे हैं। और दोस्तों मैंने बोला कि साबुन नहीं है, शैम्पू करना है, कल बाल धोएंगे शैम्पू करेंगे, और पानी भी नहीं है, चलो ले लेते हैं, उसके बाद रूम में जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सब सामान लेके अब फिर से अपने होटल के रूम में आ गए हैं, और आने के होटल में आने के बाद क्या करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे पूरा दिन, मतलब सुबह से रात तक, मतलब जब से आए हैं सुबह से रात तक हम लोग होटल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से होटल, ऐसे आना जाना हो रहा है। कल फिर से हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद सोचे कि मेरीना बीच तो गए थे लेकिन बाहर से हम लोग आ गए, कल टाइम मिलेगा तो मेरीना बीच जरूर जाएंगे, और वहाँ पे नॉन वेज फिश फ्राई खाएंगे। सोच के ही आज का वीडियो यही पे मैं एंडिंग करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं रोज़ अपना वीडियो डाल पाऊँ यूट्यूब में। वैसे तो दोस्तों क्या बताऊँ, मैं तो वीडियो बनाती हूँ लेकिन डाल नहीं पाती हूँ, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि वीडियो डालने में मैं असमर्थ होती हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।